जाने कितने सालों से आप लोगों के भी दिल में दर्द होगा कि जम्मू कश्मीर में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चलता था, यहाँ एक यूनानी मेडिकल कॉलेज चलता था और उसको बंद कर दिया। 79 में बंद हुआ। मैं हिसाब लगा रहा था कि लास्ट बैच जो था आयुर्वेदिक कॉलेज का 75 में लगा था, फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन हुई, और लगभग यूनानी का भी यही हिसाब। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन, आज तक लगभग कम से कम 2500 बच्चे हमें आयुर्वेदा से, 2500 हमारे यूनानी से ट्रेंड हुए होते, ग्रेजुएट हुए होते इन दोनों इंस्टीट्यूशन से। और अगर 6 बार अगर सरकारें बनी हैं, कम से कम 12-13 तो हेल्थ मिनिस्टर भी आए। ये जो डॉक्टर साहबान हैं इनमें खुशी है और ये पूरे स्टेट के लिए ये जो है मुबारक की बात है। इसी तरह से जो यूनानी मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ हमारे स्टेट में एक कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ बनना है, वो उसका भी जो ग्राउंड वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में भी जो हमें फैसले लेने थे कि जैसे जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको हम डिजिग्नेट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह जो जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, और उनको हम डिप्यूट करेंगे वहाँ पे, और उनको टीचर्स कोड वगैरह के लिए हम भेज देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वहाँ से जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंजीनियरिंग वो करेंगे। और इसी तरह से हमारे जो स्टेट में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है या इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स है या डिस्पेंसरीज है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और स्टाफ क्रिएशन के लिए उस बारे में अनुभव मिनिस्टर साथ जो चर्चा हुई कि हमें कौन कौन सी दिक्कतें हैं। वीडियो डेस्क, कश्मीर प्रेस सर्विस, श्रीनगर। This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir, phone number 0194-246850-0246850-01. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.